तो भाई मैं आप लोगों को ब्लॉग कंटिन्यू करने से पहले ना एक चीज दिखाता हूँ। आओ जरा इसी तरह जैसे बंदों की जिंदगी की हुई भी है ना, बैंड बजी भी है, वो दुआ करें और इसी तरह उनकी जिंदगी भी इंशाल्लाह सही हो जाएगी। मुझे पता है मैंने वो बहुत बोला कि ये इंस्टाग्राम वाला सीन किया है, लेकिन वैसे बस दिखाना चाह रहा था। खैर अभी 10-15 मिनट में जान होने लगी है जोर की, और मेरी आज तबीयत भी बड़ी ख़राब है, जुकाम भी हुआ है, खांसी भी सही रात लगी रही है, सीने में भी दर्द है। तो अभी जैसी जान होती है साथ ही वजू करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने चलते हैं। बाकी यार जान हो गया और जाके वजू करते हैं और नमाज करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आप लोगों को नज़र आती रहें। और यार रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया था, तो उसके पास खड़ा हो गया, तो उसकी वजह से मेरी जमात निकल गई, उतनी नमाज ही पढ़ ली। यार लाइट गई हुई थी अंदर, काफ़ी गर्मी थी, मुंह पे खाली वो नहीं है, वजू का पानी नहीं है, साथ में पसीना भी आया गया। अच्छा जी नमाज पढ़ के आ गए हैं, और अब अम्मा को कहते हैं नाश्ता बना दो। मामा जी आ गया, बना दें थोड़ा सा नाश्ता, बना दें, दो पराठे खाने होते हैं, 2 बजे का टाइम हो गया, मैं भी नमाज पढ़ के आया हूँ। ना। और ये उठा दो, ये क्या आपने ग्रीन सा रखा हुआ, ये पेड़ा सा रहेगा, और इसमें फल फ्रूट लग रखते हैं ये, इसलिए वो बस जो सा वो गमला सा रखा है वो ठीक है, ये इधर शट योर माउथ, आराम से बैठो, ये इधर ही पड़ा रहेगा। ओहो ये इधर नहीं रखते हमें, ये फल फ्रूट के लिए होता, क्या हो गया आपको? फल फ्रूट के लिए होता, वैसे भी होता है, डेकोरेशन पीस है ये। अच्छा आराम से बैठो, इतना मैं महंगा लेके आऊंगी। मामा तो यहाँ पे रखते हैं, जो असल जगह है उसकी, यहाँ पे टेबल लेके आए, टेबल के ऊपर रखे, कोई इसमें सेब केले वगैरह रखे ताकि वो अच्छा भी लगे, तो पेंडों वाली हरकत कर रही है आप। कसम से ये साइड वाली चीज ही नहीं है, ये साइड वाली चीज नहीं, साइड ना तंग करो बेटा, इधर ही पड़ा रहेगा। अच्छा उठाए इसको इधर से, तुम चलो ऐसे हटो, चलो उठा दे ना इधर से, अल्लाह की कसम अच्छा ही लगता है वीडियो। अच्छा लग रहा है, सुल्तान भी मेरा वीडियो बनाते हैं, वो मैं भी वीडियो बनाता हूँ साफ, वो ठीक है, वो गमला समझ लग रही है, वो साइड पे पड़ा रहता है, उसके अंदर कोई लाके फूल वगैरह रखे, क्या मसला, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये इसको इसकी बात नहीं कर रहा, इसमें कोई फूल वगैरह लाके रखे, और ये जो है ना ये ग्रीन वाला, इसको उठाए यहाँ से, अच्छा लग रहा है, ये गंदा लग रहा है, इसको उठाएं यहाँ से। अब दिमाग नहीं करो, मैं कह रही हूँ हटा, हाय अल्लाह भी मोबाइल टूट जाए तो उठा दें आप, क्या कोई मसला हो, क्या हो गया आपको? की बात नहीं, ये पड़ा रहेगा, उठा दें, उठा दें, उठा दें, छोड़ो, मैं कह रही थी आप यार छोड़ो, अब टूटने दो, फिर ठीक है, वहाँ पे नहीं रहेगा, वहाँ पे नहीं रहेगा, ना करे ना आप भी ना, अब अगर टूट गया ना मैं तेरा, मैं अब जोर जबरदस्ती नहीं कह रहा, मैं उठा, मैं तोड़ दूंगा इसको, फिर आप, फिर आपने गुस्सा कर लिया, फ्री होने की जरूरत नहीं, अपनी हद में रहो, उठा दें इसको यहाँ से, उठा दें, अल्लाह की कसम फजूल फालतू लग रहा है, ये मजा नहीं आएगा, अच्छा लग रहा है ना, क्या मसला बेटा, क्या नहीं करते, बुरी बात है, चलो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक छोटी सी मेरी बात सुनो, एक छोटी सी मेरी बात सुनो, ऐसा करते हैं टेबल लेके आते हैं, ये सोफे के साथ यहाँ पे टेबल रखते हैं और इसके ऊपर फल फ्रूट रखते हैं, ये उसलिए इसलिए होता है नहीं है कि साइड पे डेकोरेशन पीस नहीं है, इसके अंदर फल फ्रूट वगैरह ला के रखते हैं, ये इसलिए यहाँ पे नहीं रखते, फल फ्रूट के लिए नहीं होता मामा, ये फल फ्रूट के लिए होता है, और किस लिए होता है, अच्छा पीस है, डेकोरेशन पीस वो वाला है, वो वाला डेकोरेशन पीस है, ये फल फ्रूट इतना खूबसूरत बना हुआ, तो क्या है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो चीज जिस चीज अगर आपने पैसे कोई खर्च कर लिए, 500,000 खर्च कर लिए, तो उसको किसी अच्छी जगह पे, उसी जगह पे लेके आए ना, जहाँ पे उसकी जगह बनती है, यहाँ पे इसी जगह बनती नहीं है। मैंने उसके बारे में कुछ कहा ब्लू वाले के बारे में, क्योंकि मुझे पता है वो डेकोरेशन पीस है, वो साइड पे पड़ा है, तो उसमें फूल वगैरह लाके लगा दें, कोई टेंडू से पता नहीं अच्छा से आ गए, आराम से हाथ में हरा, ओ मां मेरी दिखा, एक मिनट, एक मिनट दिखा, एक मिनट, एक मिनट दिखा, एक मिनट दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, मेरी बात, मेरा घर है, मैं खुद बनाऊंगी, तुम जाओ तुम्हारे अपने घर, आपका घर है, आपका घर है, हमारा घर है, 2-4 साल तक मैंने अपने नाम करा लेना, फिर कैसे आपका घर है, मैं इसको फल फ्रूट, अल्लाह की किसने, ठीक है मर्जी है आपकी, बेशक ना करें, लेकिन ये फल फ्रूट के लिए होता है और वहीं पे ज्यादा अच्छा लगता है, ये इस तरह यहां से मत हिले, चलो आपने जब यहाँ से हिलना था तो मैं इसको हिला दूंगा, मर्जी वाली बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, और इनको उठा दें जरा, हर पता नहीं बहुत सोते हैं, अल्लाह माफ करे, बहुत ज्यादा सोते हैं, मामा ज्यादा ही सोते हैं, ज्यादा ही सोते हैं, कल जल्दी सो गए थे यार, ये ना मेरा एप्टा पास से दोस्त आया था मेरे लिए लेके आया था, लेकिन ना मुझे इसका ना ब्लूटूथ चलानी तो आती है, लेकिन ना मुझे इसका नाम नहीं मिल रहा था, तो अब पता नहीं, ये मैंने उसको मैसेज किया है और उसको बताया कि यार ये कोई नाम बताया सकता ताकि मैं इसको ना चला सकूं। अब्दुल्मान तुम किस तरह बैठे हुए हो, क्या हो गया, पांव रख के बैठा हूँ, अब्दुल्मान ये जहालत है बेटा, ये सोफे पे इस तरह बैठते हैं, अच्छा आप बड़ा DHA में रहती है ना, वैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपका घर मेंटेन करना चाह रहा हूं, और नेल्स नहीं काटे, कौन से नेल काटे, पांव के नेल्स नहीं काटे हुए, काटे तो है, कितने दिन से नहीं काटे, मुझे हर वक्त मारने में तुली होती है, तुली क्या होती है, पांव में ये तरीका बैठने का सोफे पे, तो और कैसे बैठते हैं लोग, इतना बैठ मामा अपने घर में ही बंदा इजी होकर ना बैठे, तो कैसे बैठे, पांव नीचे करके बैठो, मैं कह रही हूँ सोफे पे ऐसा नहीं बैठते यार, मुझे हर चीज में, आप मेरी हर चीज में आपको मसला होता है, आपको भी मेरे बहन भाइयों को भी, जो काम करूँ नमाज ही पढ़ू, तो उसमें नमाज इस वक्त क्यों पढ़ रहा है, कजा क्यों पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा हूँ, पांव नीचे करो, पांव नीचे करो, नहीं करना, बुरी बात है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं
नहीं करना नहीं करना यार, मुझे हर वक्त मारती रहती है, अल्लाह की कसम आप पापा मुझे कर, नहीं करना, नहीं करना, मेरी जिद्द नहीं करना, मेरे पापा का घर है, जो करना आपने कर रहे हैं। अच्छा अब ये मेरे से कैसे लेगा, ये ले ले रहे, हाँ जी ले जाए पावर बैंक ले जाए, कोई मसला नहीं, वो ऐसे ही चार्ज में लगाया था, मेरा फोन ही वाला चार्ज है, मैंने इसी के लिए लगाया था। और बताए लगा दे ना, उतारा करे पिन, खुदा पाका बस यार, ये एक चार्जर मैं लेके आया हूँ, एक चार्जर, और अपने पैसों का 500 रुपए का खरीद के लेके आया हूँ। इस औरत ने अपना मोबाइल भी लगाया है, अपना जैसे न्यू वाला मोबाइल है, ये वाला न्यू वाला मोबाइल लगाया है, उसका एक मुझे कुछ कहना ना, उसके बाद ये वाला पुराना वाला मोबाइल है, इसमें हर वक्त नाते और वो लगी होती हैं, अजाने लगी होती हैं, वो वाला भी उन्होंने मोबाइल लगाया है चार्जर पे, मैं अभी भी लेके आऊँ, और फिर जब खराब हो जाएगा मैं इनसे पैसे मांगूंगा, कहेंगे पैसे पूसे नहीं देना, तू हर वक्त चार्जर खराब करते, आप ऐसे नहीं करती। मेरी बात सुन, सर मेरी एक छोटी सी बात सुन। हाँ जी, कि तू चाहता क्या है? मैं चाहता ये हूँ कि आप मेरे से दूर ना करें, मतलब कि दूर रहने से मुराद है कि आप मुझे ना डांटो। चल नाश्ता बना के दे मुझे, चल जल्दी उठ। मैं कहाँ से बना दूँ? तू मैं कहाँ से बना दूँ? बेटे माए बना के देती है, बेटे माए भी देती है, सारी उम्र करती है, बेटों को भी चाहिए काम करना। इसका एक हल है, हल कोई नहीं, मुझे नशे नाश्ता बना, अल्लाह की कसम इसका एक हल है, मेरी शादी कर दे, मेरी बीविया को नाश्ता बना के देगी। नहीं बना ही ना दे, हाँ बीवी बना के देगी आपको, पड़ेंगे तो मैं नाश्ते, एक पराठा तो बना देगी वो, अगर एक मेरे लिए बनाएगी तो एक आपके लिए बना लेंगे। उठो उठो मेरे लिए बनाओ, रोज मुझसे मांगते ना, आज मेरे क्या खाना है, क्या खाना है, जो मर्जी बना दो, मसाला ना या अंडा शंडे बनाने के लिए, अंडा बना देना एक, रोटी बना देना, मैं बैठी हूँ आराम से, मोबाइल यूज कर रही हूँ, तो मैसेज मुझे ला के दो रहते नाश्ते में। चल यार मैं अपनी माँ के लिए ना आज नाश्ता बनाता हूँ, पहली दफा बना दिया नाश्ता, ये ले सादी ब्रेड खा लेना, हलाल है ये, वो फ्रिज में पड़ी थी खराब होने वाली, एक्सपायर हो जाएगी आज शाम तक, इसलिए जरूर खा ले। मुझे लाके इस तरह दी, मतलब नाश्ता ऐसे देती हूं, तो आटा नहीं गूंदा तो क्या करना है, ऐसे ही करना है, ये क्या तरीका कार अब्दुल रहमान, तो आटा नहीं गूंदा हुआ, अंडा बना लो, कोई सा चाय बना लो, तुम देखो तो सादी ब्रेड नहीं खाई जाती, ब्राउन ब्रेड है खाई जाएगी सादी, ये तुम खुद खा लो, मैंने नहीं खानी। अच्छा क्या क्या, शहद ला दूं, शहद ला दूं, शहद लगा के ला दूं, शहद नहीं मैंने खाना, मक्खन नहीं, ब्रेड चाय, क्या तुम चाय बना दो, हां अंडा बना दो, चाय और अंडा, अपनी बारी तुम इस तरह करते हो, तो आप मुझे बड़े मेरे 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 लिए पांच पकवान बनते हैं ना रोज घर में, ये तो नाश्ता मांग, मक्खन खा लो, मक्खन खा लो प्लीज, मैंने जाना भी है, मैंने मार्केट भी जाना है, मैंने वो थोड़ा बहुत ऑर्डर वगैरह का सीन करना है। अच्छा यार मेरी बात सुनो, तो सुल्तान भी बिजनेस कर रहे थे ना अपना, वो शहद वाला, शहद, तलबीना, साबुन वगैरह, जितना भी मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, तो अब वो सारा सीन आ गया मेरे पास, वो मैंने संभालना है सारा सीन, ठीक है? तो बाकी सुल्तान भी ने अपनी वीडियो में नंबर भी दे दिया था, इसी वीडियो के अंदर मैं भी नंबर दे देता हूँ अपना, तो जिस जिस भाई ने ऑर्डर करना है, कुछ लोगों के भाइयों के वो अभी मैसेजेस आए भी हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा बस एक दिन, आज का दिन ये ब्लॉग जब देख रहे होगे ना, तो आज के दिन सब्र कर जो, तो इंशाल्लाह कल से आप लोगों को ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी मैं नंबर आपको नीचे व्हाट्सएप पर देने लगूँ अपना, और मेरे पास वो मेरा जाती नंबर है, वो मेरे पास ही होगा, तो मैं आप लोगों से खुद बात किया करूँगा, जिस भाई ने भी ऑर्डर करना होगा ना, तो बाकी कैटलॉग मैं बना दूंगा सारा, तो उसमें जिसको भी जो चीज़ चाहिए होगी आप लोगों ने मुझे बता देनी है, तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को ला कर दे दिया करूँगा। वही फ्रिज में बोतल ऐसी पड़ी हुई है, ये देखें, इस पर तो वो लिखा हुआ है मार्ट 79, आप भी जो नहीं है मार्ट 79 है, ये जो का पानी, नहीं खोलो नहीं खोलो बेटा, आप किसी की है, उससे सुल्तान की ना कर अब्दुल मान, अब तुम समझ गए, बोतल है ये, बहुत मजे की है, कड़े भी है ये तो बहुत ज्यादा, आप पियो, क्या ठंडी होती है ना बहुत ज्यादा, ये ठंडी होती है ना, ये मेरे मुंह में ना छाला निकला है अंदर वाली साइड पर, कल मैंने नूडल्स खाए थे, वो चटपटे नहीं खाए थे, वो योर खाए थे, न्यू पाकिस्तानी, मैंने जानवरों वाले नूडल खाए थे, हाँ मैंने जानवरों वाले नूडल खाए, मेरे जानवरों वाले नूडल खाए थे, पांच नूडल खाए थे, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा स्पाइसी थे, तो रातों रात ही ना मेरे मुंह में काफी बड़ा छाला निकला है, तो उसके लिए ठंडी मार्ट 79 है, तो ये पीते हैं, लग रहे इसे ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं ठीक होगा, जब सो के उठूंगा दोबारा तब ठीक होगा। मामा उनका खरबों का बिजनेस है, मैं प्रमोशन कर भी दूंगा तो उनका 100-150 रुपए का बिक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। पीना आपने, पीना आपने, नहीं नहीं पिया जा रहा, ज्यादा नहीं पिया जा रहा, मक्खन खत्म हो गया, मक्खन खत्म हो गया, मतलब मुझे नाश्ता नहीं दोगे, ठीक है बेटा, गंदे गंदे डकार आ रहे हैं मुझे, क्या करूँ, बुरी शक्लें क्यों बना रहे हो, इतने प्यारे तुम ना बना करो, क्या करूँ, डकार आ रहे हैं, मखन वगैरह कर दें, आप मुझे नाश्ता बना दें, मेरी तबीयत खराब हो गई है, नाश्ता बना दें प्लीज़, नाश्ता बना दें, बना दें आप नाश्ता, आज आप बना दें, कल मैं बना दूंगा, पकड़ लें, पकड़ लें, पकड़ लें, ये क्या लगा, ये क्या लगा था, ये तेरे थप्पड़ है, आज के बाद मैं नाश्ते का ना चला, चल भाग, अपनी भाई तुम लोग इस तरह करते, अरे माँ ने जिंदगी में पहले मांग ही लिया,
नाश्ता तो आप ये नहीं देख रही कि मैं आपके 100 तरह के काम करता हूँ। अच्छा हर माँ बाप भी मेरी मामा ऐसे करती हैं कि इनके 99 काम कर लो इनको वो नजर नहीं आएगा, इनका एक इंकार कर दो इनको एक दफा, तो उस चीज पे ये रोला डाल देती हैं। क्या सुबह से काम किया तुमने? आप मैं और आपके काम कौन करता है? आपका बड़ा बेटा करता है, सुल्तान भी करते हैं, फराज भी करते हैं, रेहान भी करते हैं, बाबू करता है, मैं करता हूँ ना सारे काम। जिनको मैं जो काम कह देती हूँ जो उनके लायक होता है। तो कहते हैं हम भी ऐसे वैसे हैं, तो अब्दुल रहमान कहते तो फिर मुझे करने पड़ते हैं। आप मेरे पास आते हैं ना कि मेरा बेटा ऐसे काम कर दे, कल जो कैमरा देके आना था मैं देके आया ना, मैंने काम किया ना, आपकी एक दफा बात मानी ना, वो आपको नजर नहीं आता, अगर मैं आपको एक दफा इनकार कर दूं तो आपको नजर आता है। आपको बुलाता अनिला के बाद, जब तक आप नाश्ता ही ना बना के देंगे तब तक नहीं मैंने आपको बुलाना। इसको पीछे कर ले, मैंने ना इसको उठा के फेंक देना कहीं। नाश्ता बना के दो ना, तो नाश्ता क्या हो गया? छोड़ दो फिर, मैं ना बस मेरा हमसे बात ना करो, आज चले जाओ। बस ठीक है, मैं भी नहीं बुला रहा। तुम वही जहल तरीके से बैठ रहे हो, मैं तो मना किया था यार, आज से बैठने के आदम मुझे ना ऐसे तंग किया करे, अल्लाह की गला मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा बेटा। मोटी है यार ये बहुत ज्यादा, बदतमीजी ना करो अब्दुलमान। ये मोटा मेरा मोटा है, मेरी अच्छी माँ है, मजाक करो। आई लव तो अभी यहाँ मैं करता हूँ व्लॉग को एंड, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जितनी वीडियोज है आप लोगों को नजर आती रहे। तो यहाँ मैं करता हूँ व्लॉग को एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।